जिज्ञासु मित्रों, आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं, टिप्पणी के अंदर कमेंट बॉक्स में मनुस्मृति का जो वीडियो है उसके ऊपर जो है मनुस्मृति के बारे में बताया गया है। आपने अगर उस वीडियो को देखा हो, मनुस्मृति पार्ट वन पार्ट टू, उसमें किसी जिज्ञासु भाई ने एक प्रश्न किया है कि आप ढोल, गंवार, शुद्र, पशु, नारी के ऊपर कुछ बताएं। तो ये ढोल, गंवार, शुद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ये जो बात रामायण के अंदर रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में इसको लिखा गया है, तो वर्ण विभाजन के ऊपर वो चर्चा थी मनुस्मृति की। पहली बात तो आप ये मान के चले कि ये जो वर्ण विभाजन की जो चर्चा है मनुस्मृति की, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि भले ही ठीक है, एक बात एक हद तक ये बात बिल्कुल सत्य है कि इसके नाम पर कुछ इतिहास में गलत चीजें हुई हैं, लेकिन उसके लिए मनुस्मृति जिम्मेदार है या धर्मशास्त्र या हमारे ऋषि मुनि जिम्मेदार हैं, वो ये बात गलत है। हाँ, लोगों ने उसका गलत फायदा कुछ लोगों ने उठाने का प्रयास किया, वो ऐसी विचारधारा रखते हैं और इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जहां पर ये बात आती है, लेकिन ये जो विभाजन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का, ये प्राकृतिक विभाजन है। इस विभाजन से पूरी दुनिया का कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र मुक्त नहीं है। आप ये मत कहना कि ये हिंदू धर्म के अंदर है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं। आप जहां भी जाएंगे, आपको ये ऐसी बात नहीं कि भाई आप हमारे यहां, तो फिर भी अगर आप देखें तो ये चार विभाजन की जो व्यवस्था, जो वर्ण विभाजन की जो व्यवस्था बनाई गई है, वो इसीलिए बनाई गई है कि कोई भी वर्ण, किसी भी वर्ण का व्यक्ति, वर्ण अर्थात बाद में उसे जाति के रूप में स्वीकार किया गया, उसे जाति लोग कहने लगे, जाति बन गए, वो जन्मना ले लिया लोगों ने, वो कर्म गुण के आधार पर ही श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है, मनुस्मृति में भी कर्म गुण के आधार पर भी और थोड़ा बहुत जन्म से भी उसे संबंधित किया गया है। लेकिन अगर हम उसका अध्ययन करें तो वो जो विभाजन है वो बड़ा ही प्राकृतिक विभाजन है, ऐसा नहीं कि विभाजन शास्त्र कर रहे हैं। अगर ये कहा गया कि भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय निकले और फिर जो है जंगाओं से ऐसे वैश्य, चरणों से शूद्र निकले, इस तरह का विभाजन की अगर बात कही जाए तो जहां पर भगवान का नाम आ गया वो तो वैसे ही कुदरती हो गया। वहां पर ये प्रमाणित करने की कोशिश की गई है कि ये जो विभाजन है, चार प्रकार के लोग हैं, बड़े प्रकार प्राकृतिक होते हैं। इसलिए भारत के अंदर जो है, ठीक है, जब खराब समय आया, जब जाति प्रथा को बढ़ावा मिलने लगा और बिना किसी को वो देखे, जाति से उसको हीन समझ लेना, बिना गुण देखे, हाँ जो गुणों से हीन है वो तो हीन है ही, जो गुणों से हीन है वो तो हीन है, चाहे किसी भी जाति में उसका जन्म हुआ, अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है, गुण नहीं है, तो वो व्यक्ति हीन है चाहे वो कहीं भी हो। लेकिन ये जो विभाजन है, वर्ण विभाजन, ये बहुत ही प्राकृतिक है, पहले आप इसको समझें। और ऐसा नहीं, इससे ज्यादा संघर्ष इस चीज को लेकर यूरोप के अंदर, रोम के अंदर हुआ। आप रोम का इतिहास जाके पढ़ें, जब आप रोम का इतिहास जाकर आप पढ़ेंगे तो गुलाम वहां पर तो बहुत ही कुछ था। शूद्र तो छोड़ दीजिए, शूद्र तो बहुत अच्छा शब्द है, इसका अर्थ भी बहुत अच्छा होता है शूद्र का, और भगवान के चरणों से निकलना तो अहोभाग्य है, क्योंकि चरणामृत ही सबसे ज्यादा प्रिय होता है भक्त को भगवान का, ये तो बहुत बड़ा सम्मान की बात है। और मनुस्मृति में भी ये लिखा गया है कि कोई भी ब्राह्मण या कोई भी क्षत्रिय या कोई भी वैश्य अपने सेवकों को, अर्थात शूद्रों को, जो शूद्र जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं, अब उनको भोजन कराए बिना स्वयं भोजन ना करे, यहां तक का सम्मान दिया गया है मनुस्मृति के अंदर। तो ये वर्ण विभाजन बहुत ही प्राकृतिक है। आज मान लीजिए कि आज चीन की हम बात कर ले, हम रशिया की बात कर ले, तो वहां पर जो है आज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई है, वामपंथी सरकार बन चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि वहां पर ये चार विभाजन नहीं है? ये बहुत ही प्राकृतिक है। एक ज्ञान बांटने वाले ब्राह्मण हुए, रक्षा करने वाले क्षत्रिय हुए, और फिर जो है व्यापारी वर्ग, बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग का अस्तित्व होता है तो वो वैश्य हो गए, और सेवक जो सर्विस क्लास है, आज लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, तो जितने भी सरकारी नौकर है वो किस कैटेगरी में आएंगे? जो नौकरी के पीछे भाग रहे कि हमको नौकरी चाहिए, वो शूद्र की ही कैटेगरी में तो आएंगे आज के समय में, वो सेवक लोग हैं, तो सर्विस क्लास उसे हम कहते हैं।
आज लोग गवर्नमेंट सर्विस का बहुत खोज करते हैं हमारी गवर्नमेंट सर्विस हो जाए, लेकिन अगर कर्म के हिसाब से देखा जाए तो वो किस कैटेगरी में आएंगे। तो ये जो डिवीजन है ये बहुत ही नेचुरल है, ये हर दुनिया के हर कोने में है और हर तरफ से। हाँ, बाद में जब इसे एक जाति का नाम दे दिया जाता है और जाति एक सेक्ट एक संप्रदाय बनाना शुरू कर दिया जाता है तो समस्याएं आती हैं, लेकिन ये विभाजन हर जगह विद्यमान था, विद्यमान है और विद्यमान रहेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक विभाजन है। प्राकृतिक रूप से ये चार प्रकार के लोग समाज में होते हैं, जो ज्ञान बांटना एक जिनका उद्देश्य होता है उसको, वो ज्ञान को अपना शस्त्र ताकत बनाते हैं, शक्ति बनाते हैं, एक शस्त्र जो उनको लगता है कि हम ही राजा बने, हमारे हमारे पास अधिकार हो और हमारे हम वो करें, कुछ सेवा की भावना से, कुछ शासन की भावना से। आज भी जो राजनेता हमारे देश के अंदर है वो सब सेवा की भावना से थोड़ी ना, शासन पद की भावना से। तो उसमें फिर नेगेटिव पॉजिटिव भी चलता है। जो ज्ञान बांटने वाले हैं कई उसमें सेवा की भावना से ज्ञान बांटते हैं, कईयों को अपने ज्ञान का अहंकार भी हो जाता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जो चार प्रकार के विभाजन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये प्राकृतिक है और ये सर्वदा रहेगा और इस तरह का संघर्ष भी सर्वदा चलेगा। जब जब जातिवाद आएगी, संप्रदायवाद आएगा तो संघर्ष बढ़ेगा। और रोम का इतिहास पढ़े, भारत के अंदर कभी इतना बड़ा संघर्ष नहीं हुआ जो संघर्ष रोम में हुआ है, यूरोप के अंदर हुआ, इसी जाति शूद्र जो सेवक वर्ग है जिनको गुलाम कहा गया, यहां पर कभी गुलाम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, दास प्रथा का प्रयोग नहीं है क्या। हाँ, दास प्रथा आई, लेकिन जो दास और शूद्रों में फिर भी अंतर होता है, दास एक अलग विषय है, दास बनना एक अलग विषय है, शूद्र होना एक अलग विषय है। इसलिए पहले तो इस बात को समझ ले। अब मैं आता हूं इस विषय पर कि तुलसीदास जी ने लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, रामचरित मानस साथ लेकर बैठा हूं, आप देख सकते हैं। तो रामायण के अंदर ये बात कहां कही जा रही है, किस स्थान पर कही जा रही है, इसको समझना जरूरी है। आप उसको समझेंगे तभी समझेंगे। तुलसीदास जी को लोग गाली देते हैं, तुलसीदास जी को लोग भला बुरा कहते हैं कि तुलसीदास जी ने ये लिख दिया, तुलसीदास जी ने वो लिख दिया। तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, रामचरितमानस। इसको रामायण नहीं कहा जाता, रामचरितमानस, लेकिन इसका आधार रामायण है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें राम जी की कथा शुरू करने के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव कथा को उठाया, शिव विवाह प्रसंग शिव कथा को लिया है। तो इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, थोड़ा सा अलग ढंग से तो लिखा ही गया है। और मान्यता सबसे ज्यादा इसकी है, जितनी भी रामायण है उनमें से सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन इसी का हुआ है विदेशी भाषाओं में। और दूसरी बात कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, क्योंकि ये महाकाव्य, इतनी बड़ी कविता आज तक किसी ने लिखी नहीं। ये कविता है, पूरी कविता के रूप में काव्य इसे गाया जाता है रामचरितमानस को। आपको ये जो लोग पढ़ते हैं जो वो जानते हैं इस बात को, ये महाकाव्य है। तो इसके अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामकथा लिख रहे हैं तो रामकथा है, कथा है। और जब कथा लिखी जा रही है तो कथा के अंदर, जैसे कि डायरेक्टर कोई फिल्म बनाता है, कोई मूवी बनाता है, सिनेमा बना रहा है, तो एक कोई विलेन बनाता है किसी को हीरो बना देता है कि भाई ये अभिनेता है, ये नायक है इस सिनेमा का, वो खलनायक हो जाता है। अब खलनायक जो है वो उसने सिनेमा के अंदर नायक को गाली गलौज कह दिया, कुछ बोल दिया उसने, कुछ गलत कह दिया, तो इसका मतलब क्या आप डायरेक्टर को दोषी कहोगे कि भाई डायरेक्टर ने ऐसा किया? नहीं। तो ये कथा लिखी जा रही है, सबसे पहली बात आप समझ गए। इस कथा में पात्र हैं, श्री राम जी हैं, सीता मैया हैं, हनुमान जी हैं, बजरंग बली भगवान हैं, रावण है, विभीषण है, मेघनाद है और जटायु हैं, ये सारे हैं, संपाती हैं, जामवंत हैं, ये सब रामायण के पात्र हैं। तो ये अलग अलग इनके वचन हैं, अलग अलग बातें कह रहे हैं। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड के अंदर, रामचरित मानस के सुंदर कांड में 98 दोहे के अंतर्गत तीसरे चौपाई के अंदर ये बात आ रही है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बात लिखा हुआ है यहां पर। तो अब लोगों ने जो है क्या, सनातन धर्म और हिंदू धर्मावलंबियों के साथ एक समस्या है कि वो अपने ग्रंथों को सही से पढ़ते नहीं। मैं अपनी व्याख्या दे रहा हूं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, हो सकता है किसी और ने दी, जैसे कई लोगों कई महात्माओं से मैंने सुना कि वो ये कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब ये लोग ताड़ने के अधिकारी हैं, इनका भी कल्याण। लेकिन ढोल, ढोल तो बजाने की चीज हो गई, तो उसको तो मोक्ष क्या मिलेगा भैया, ढोल भी कोई। फिर कुछ महात्माओं ने यह भी व्याख्या की कि ढोल एक जाति है,
उसको भी उन्होंने जाति कहा, ढोल, गंवार, शुद्र, पशु, नारी। और मुक्ति तो मनुष्य जीवन में है, तो यहां तो पशुओं की भी बात की जा रही है। तो कुछ तो ये व्याख्या करते हैं कि सकल ताड़ना, मतलब ताड़ना मतलब यहां पर मारने की बात नहीं की जा रही है, लेकिन व्याख्या क्या आती है कि भाई ढोल को जैसे पीटा जाता है, गंवार को भी दंडित किया जाता है, वैसे नारी को भी दंडित, शूद्र को भी लिख दिया गया शूद्र, पशु, नारी। तो इनको जो है ताड़ा जाता है, इनको मारना चाहिए, इनकी पिटाई होनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। सकल ताड़ना, ये ताड़ना के अधिकारी हैं। तो ये विचारधारा यहां पर आती है और लोग तुलसीदास जी पे उंगली उठाते हैं। तो अनेक महात्माओं ने, अनेक विचारकों ने, कथावाचकों ने इसकी व्याख्या की है, और ज्यादातर जो मैंने सुना है लोग यही कहते हैं कि ताड़ना, ताड़ना का अर्थ मतलब तार देना, उसे मुक्ति प्रदान कर देना, उसे मुक्ति दे देना। और पशु नारी का अर्थ वो नारी जिसका आचरण पशु के समान है, जो है उसका भी कल्याण होता है। तो मैं आपको यहां पर अपने जो मुझे समझ में आता है रामचरितमानस पढ़ने के बाद, वो मैं बता रहा हूं कौन से महात्मा जी ने या किसी कथावाचक ने, किसी कथा व्यास ने, किसी विद्वान ने क्या व्याख्या की है। मैं वो तथ्य ना कहकर आपको अपनी तथ्य जो मैंने पढ़ा एक अनुसंधान के तहत, क्योंकि कई बार जो है लोग कथा के अनुसार पूरा नहीं पढ़ पाते, कुछ बातें कह दी गई और फिर अगला सोच, किसी हिंदुओं के साथ तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनको बोल दो कि भाई गो हत्या, गाय खाना लिखा गया शास्त्र के अंदर, अब कभी अनुसंधान नहीं करेगा। कोई संस्कृत का किसी ने पढ़ लिया और जो है उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, तो सोचेगा कि संस्कृत में है तो शास्त्र में ही लिखा गया होगा, लिखा गया है तो ये तो बहुत गलत लिखा गया है। वो तो ऐसी प्रकार से मैक्स मुलर और जो लॉर्ड मैकाले था, उन्होंने कई कूटनीति अपनाई, ब्राह्मणों को खरीदा जो संस्कृत जानते थे, उनको खरीद लिया, उन्होंने अपना ईमान बेच दिया और धर्म शास्त्रों के को लोगों को भड़काने के लिए हिंदू धर्म के खिलाफ उनके अंदर एक भ्रामकता आ जाए, एक भ्रामक सा माहौल बन जाए हिंदू धर्म को लेकर। आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है ये सब। तो आज मैं विशेष करके, क्योंकि कमेंट बॉक्स में किसी ने मुझसे पूछा मनुस्मृति वाले में कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, आप इसके ऊपर बताइए ये क्या चीज। तो मैं इसको वैसे का वैसे ही लेता हूं कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, यहां पर ताड़ना अर्थात मारने की ही बात कही जा रही है, मारपीट की ही बात कही जा रही है, सजा देना, ताड़ना मतलब दंडित करने की बात कही जा रही है। ढोल, गंवार, शूद्र और पशु नारी, जो जिस नारी का आचरण पशु के समान हो गया है वो ताड़ने के ही अधिकारी, पशु को भी और नारी को भी। अगर अलग अलग करके आप स्वीकार कर तो अलग भी स्वीकार कर लिए कि पशु को और नारी को भी मारने की यहां बात कही जा रही है, ताड़ने की बात कही जा रही है। चलिए इसी बात को हम वैसे का वैसे ही स्वीकार करते हैं कि ताड़ने की ही बात कही जा रही है, अर्थात मारने और दंडित करने की ही बात कही जा रही है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि ये तुलसीदास जी ने तो कथा लिखी है, लेकिन उस कथा के अंदर ये डायलॉग किसका है ये जानना जरूरी है। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं, ये तुलसीदास जी के मुख से बात नहीं निकल रही, ये बात भगवान राम के मुख से भी कथा है ना भाई। जब आप कथा लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि फलाने व्यक्ति ने ये बोला, फलाने व्यक्ति ने ये बोला। जब हम कोई प्ले लिखते हैं, कोई एकांकी हम लिखते हैं, तो उसमें किसी ने कुछ डायलॉग बोला, किसी ने कुछ डायलॉग बोला, तो ये डायलॉग किसका, ये बोल कौन रहा है, ये कौन बोल रहा है। तो ये घटना उस समय की है जब भगवान राम जो है वहां पर समुद्र के किनारे राम सेतु बांधना है, और समुद्र से भगवान राम कहते हैं कि भाई तू हमें जगह दो। तो वहां पर वर्णन आता है कि 3 दिन तक भगवान ध्यान में बैठते हैं, समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे समुद्र देव, आप हमें जगह दीजिए कि हम सेतु बांध सके और लंका पहुंच सके, रावण से युद्ध हो सके। और इसके ऊपर, इसी घटना के ऊपर रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत सुंदर कविता भी लिखी हुई है। तो 3 दिन तक लगातार प्रार्थना करते हैं समुद्र देवता से, समुद्र का अपना एक साम्राज्य है, आप उसे देवता के रूप में स्वीकार करें या समुद्र का राजा के रूप में स्वीकार करें, जो कि समुद्र पर जिसका अधिकार चलता था, उस समय का एक राजा था या देवता था। यहां पर वर्णन भी आता है इस बात, इस विषय को लेकर, इस समुद्र देवता जो है वो बात नहीं मानते प्रभु की, और जब बात नहीं मानते तो फिर विनय न मानत जल्दी जड़ गए, 3 दिन बीती, बोले सकोप राम तब भय बिनु होए न प्रीति, कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण जी आकर कहते हैं भगवान राम से, भगवान राम कहते हैं ठीक है, 3 दिन हो गए रास्ता मांगते हुए, प्रार्थना कर रहे हैं, हम याचना कर रहे हैं
फिर भी समुद्र देवता जो है वो इस बात को, या समुद्र के जो राजा है, जो भी इसके अधिकारी है, वो इस बात को ये समझ नहीं रहे। तो लाओ मेरा धनुष, भगवान राम धनुष मंगवाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और बाण चढ़ाकर जैसे मारने वाले होते हैं तो समुद्र देवता हाय हाय कर कर आते हैं। तो समुद्र देवता जो थे वो क्यों नहीं बात मानते तीन दिन में, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से, आप इस पूरे प्रसंग को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो रावण के अधीन होते हैं और रावण के से प्रभावित होते हैं, रावण से भयभीत होते हैं। समुद्र देवता को पता होता है कि रावण त्रिलोक विजयी है, आजकल उसका शासन देवताओं पे भी चल रहा है, और अगर मैं कोई ऐसा कार्य करता हूं जिससे कि रावण मुझसे रुष्ट हो जाए तो वो मुझे दंडित अवश्य करेगा। तो समुद्र देवता रावण की विचारधारा और रावण से भयभीत भी है और रावण की विचारधारा से प्रभावित भी है। इसलिए लंका कांड के अंदर रावण फिर नारी की निंदा करता है और नारी के 10 गुण मंदोदरी को सुनाता है, मंदोदरी की भर्त्सना करता है, मंदोदरी के विचारों का अपमान करता है, उसका उपहास करता है रावण, और नारी का अपमान करता है, नारी के 10 दुर्गुण गिनवाता है। तो वो 10 दुर्गुण जो गिनवाए गए तुलसीदास जी ने नहीं लिखे हैं, आप तुलसीदास जी पे उंगली मत उठाओ, आप रावण पे उंगली उठाओ कि रावण ऐसा बोल रहा है। तुलसीदास जी तो कथाकार है, वो कथा लिख रहे हैं भाई, ठीक है, वो कथा लिख रहे हैं। और यहां पर भी बात आ जाती है कि जब समुद्र देवता भयभीत हो जाता है, देखता है कि राम ने धनुष उठा लिया, तो समुद्र देव भागा भागा आता है और रावण के विचार, क्योंकि सुनता तो रावण के, रावण के संग रहता था और रावण की विचारधारा को ग्रहण करता था, और आते ही उसने अपना परिचय दे दिया। भगवान कह तो रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुरी तुम्हरी कीन्ही, ढोल गंवार शुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये कौन बोल रहा है? ये समुद्र की वाणी है, ये समुद्र की वाणी है, ये समुद्र देवता की बातें हैं। वो ऐसा भगवान राम से कह रहे हैं कि ढोल गंवार शुद्र पशु नारी, ये राम की विचारधारा नहीं है, ये राम की विचारधारा नहीं है, इस बात पर गौर करने की जरूरत है। ये तुलसीदास जी की विचारधारा नहीं है, तुलसीदास जी ऐसी विचारधारा को अगर बढ़ावा देते तो ये जो रामायण जो शुरुआत होती है ना, रामचरित मानस का जो प्रारंभ है, आप इसे देख लो, ये विशेषता है, ये रामचरित मानस की बहुत बड़ी विशेषता है कि जैसी ये प्रारंभ होती है तो तुलसीदास जी गणेश जी सरस्वती जी की वंदना करते हैं और वंदना करने के बाद वो सीता जी की वंदना करते हैं। हालांकि सीता राम की वंदना वो पहले कर देते हैं, फिर दोबारा अलग से सीता जी की वंदना करते हैं। सीता जी को जो सम्मान रामचरित मानस में मिला है वो अन्य रामायणों में नहीं मिला है, ये रामचरित मानस की विशेषता है। और कहते हैं कि उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्करिम सीता नतो हम राम वल्लभाम, मैं ऐसी सीता जी को प्रणाम करता हूं जो साक्षात पर ब्रह्म की अवतार है, साक्षात परमेश्वर है, उद्भव स्त्री संहार कारणिम जन्म देने वाली है, पालन करने वाली है और संहार करने वाली है, उन सीता जी को मैं नमन करता हूं जो जन्म देने वाली पालन कर, सीता जी को ऐसा स्थान पर ब्रह्म परमेश्वर का स्थान गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी को दे रहे हैं और नारी का सम्मान करें। फिर नारी के उसमें कई उन्होंने सम्मान में दूसरी बातें, उसको तो कोई नहीं उठाता, हाँ ढोल गंवार लिख दिया तुलसीदास ने, लिख दिया तुलसीदास जी ने, ना कथा पढ़ी सही से न रामचरित मानस पढ़ी सही से, लगे तुलसीदास जी को गालियां देने। तो ये जो विचारधारा आ रही है ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी, मेरे हिसाब से मैंने जो रामायण पढ़ी है, ये समुद्र देवता भयभीत होकर जब राम के पास आते हैं, पहले तो वो रावण के अधीन है, ये बात जान लेना जरूरी है कि समुद्र देवता रावण के अधीन है, रावण की विचारधारा से प्रभावित है, और इसीलिए तो तीन दिन तक भगवान रास्ता मांगते रह गए वो भी हाथ जोड़कर, और उन्होंने राम को ही कम दुर्बल है शायद इसीलिए रास्ता मांग रहा है, ये सोच लिया, नहीं आए। जैसे ही भगवान राम ने धनुष बाण निकाला भागता भागता आ गया, तो ऐसा व्यक्ति क्या बोलेगा, यही तो बोलेगा, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए उसने बोल दिया ढोल गंवार शुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु ढोल भी ताड़ना का अधिकारी है, पशु भी है, शुद्र भी है, गंवार भी है, तो हम तो उसी में आते हैं, प्रभु के चरणों में गिर गया और बोल गया। तो ये परिचय दे रहा है समुद्र देवता और रावण की विचारधारा का, ये रावण की विचारधारा है ना कि राम की और ना ही राम भक्तों की, ये ढोल गंवार शुद्र पशु नारी की विषय में ये बात आप स्पष्ट कर लें और सही से रामचरितमानस और रामायण का अध्ययन करें, एक अनुसंधान के तहत अध्ययन करें, ये नहीं कि कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, पढ़ लिया, किसी ने कुछ प्रवचन कर दिया, किसी महात्मा जी ने सुन लिया और उसी को मानकर बैठ गया, उसको जाने
उसको समझे और फिर जाकर किसी पर उंगली उठाएं या किसी सनातन धर्म पर या ग्रंथों पर उंगली उठाएं। व्यर्थ में बिना पूर्ण जानकारी के उंगली उठाना ये अन्याय है, ये गलत है, अनुचित है और यह नहीं होना चाहिए। तो इस विषय पर ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी पर मेरा कहना, मेरा अध्ययन और मेरे विचारधारा से वो यही है और इसको हम समझें, समझकर दूसरों को समझा सकें तो और अच्छी बात है। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ विराम दूंगा। धन्यवाद।